बच्चे हम लोग डिग्री फाइनल ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपका सिक्स सेम का ऑडिटिंग फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ऑडिटिंग के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑडिट क्या होता है। बेटा देखो ऑडिट क्या होता है, आप से कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, अपने प्रॉफिट्स निकाल लिए, टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट के पास पहुंच गए टैक्स देने के लिए। पर बच्चे गवर्नमेंट कहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, मैं क्यों मानूं कि जितनी भी आपने मुझे स्टेटमेंट दिखाई है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने पेरल बनाया है, जो भी आपने प्रॉफिट निकाला है, वो आपका ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, आपको एक क्या करना पड़ता है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको चेक कराना पड़ता है। चेक आप किससे कराएंगे, कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। अब बात आती है कि ऑडिटर होगा कौन, ठीक है। तो ये बेटा जितना भी आपका प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीचेक करने का, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यूज निकालने का, या आपको अपनी एसेट्स एंड वैल्यूज को रीवैल्यूएट करना है, आप ट्रू वैल्यूएट करना है, तो आप लोगों को क्या कराने की जरूरत पड़ेगी बच्चे, ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है ऑडिटर कौन होता है। तो ऑडिटर कौन होता है बेटा, एक सीए आपका ऑडिटर हो सकता है। कौन हो सकता है, एक सीए ऑडिटर हो सकता है। सीए कौन होता है, जिसके पास आईसीआईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अप्रूव डिग्री हो, वो ऑडिटर हो सकता है। या उसमें कोई आपका अलग से सेपरेट कोई ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड के सीए का ही आईसीआईसीआई कोई कोर्स किया हो या आईसीआईसीआई उसे अप्रूव किया हो ऑडिट करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका कौन होता है बेटा, ऑडिटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लीगल टर्म्स की, या फिर तो कह सकते हैं आप प्रॉपर डेफिनेशन की या वोकेशनल लैंग्वेज की, ठीक है, आपका काफी इसका बड़ा। तो देखिए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग द टर्म ऑडिट यूजुअली रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ठीक है। क्या है बेटा ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, ठीक है। अब फाइनेंशियल ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव examination and evaluation of financial statement of an organization to make sure that the financial report are a fair and accurate representation of the transaction they came to represent, ठीक है। आपका financial statement का examination होगा, evaluation होगा उसका, ठीक है, ताकि आप श्योर कर सके कि जितने भी आपकी financial reports हैं वो fair हैं और एक accurate value या value आपकी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है, आप लोगों के प्रॉफिट का, आपकी बिजनेस पोजीशन का पता चलता है कि क्या आपकी ट्रू पोजीशन इस टाइम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोगों को अपनी वैल्यू बढ़ना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, तो हम लोगों को पता चल जाता है, तो हम लोग क्या करवाते हैं बेटा, क्या आप प्रेफर कर सकते हैं, ऑडिट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं। फर्स्ट है वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। हाँ, अगर आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई एरर हो रहा है या आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है, तो वो भी ऑडिट के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रिव्यूइंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड कंट्रोल जो मैनेजर का काम होता है चीजों को मैनेज करना, इंटरनल चेकिंग सिस्टम जो हम लोग लगाकर रखते हैं। आगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का जब हम लोग ऑडिट पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी आप लोगों को, सब चीजें आगे टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो इंटरनली हम लोग जितनी चीजें हमें चेक करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने जो मोटिव सेट किए थे हम उस तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, ये चीजें भी वैल्यू करना आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये चीजें वैल्यू करना इंटरनल वो कहलाता है आपका चेक, ठीक है। तो वो सब चीजें करना, चेक एंड कंट्रोल आपका सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेरीफाइंग द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट्स को वेरीफाई करते हैं आप कर सकते हैं, लायबिलिटीज को वेरीफाई कर सकते हैं, एडिशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये चीजें भी आपकी क्या हो सकती है, इससे आपकी सही हो सकती है बेटा और ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिव्यूइंग दी मैनेजरल फंक्शन, मैनेजर का जो फंक्शन है वो भी आप लोग रिव्यू कर पाएंगे।
ठीक है। एक बात करी थी हमने ऑडिटर कौन होता है, तो बेटा आपके क्वालिफिकेशन के कुछ टॉपिक है कि कौन सा ऑडिटर आपका बन सकता है, आप ऑडिटर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, उसका कंपनी में उसका कोई 1000 से ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने कंपनी से लोन न ले रखा हो, क्योंकि इनकेस अगर किसी बंदे ने कंपनी से लोन ले रखा है, सपोज कीजिए मैंने कंपनी से लोन ले रखा है, मैं कंपनी को ऑडिट करने जा रही हूँ, ठीक है, सॉरी, उस कंपनी ने क्या कर रखा है बेटा, उस कंपनी ने कोई मैंने लोन ले रखा है तो मैं उस कंपनी को ऑडिट करने जा रही हूँ, वो कंपनी मुझे क्या कर सकती है, लालच दे सकती है ना, कि आप ऐसा कीजिए कि हमारा ये हमने ऐसे ऐसे कर रखा है, ये चीजें हमने गलत उठा रखी है, आप अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि काम किसका अप्रूव करने का, गवर्नमेंट का, उसका सॉरी ऑडिटर का, आप अप्रूव कर दीजिए, आपका सारा लोन हम माफ कर देंगे। मुझे भी लगेगा भाई मेरा इतना बड़ा थोड़ा लोन माफ हो रहा है, और मुझे दिखाने में क्या डर है, मेरे साइन होते ही कोई चेक ही नहीं करेगा, आगे चीजें आगे चली जाएंगी, ठीक है। तो कंपनी का उसका कोई लोन नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं होना चाहिए, कंपनी की इक्विटी शेयर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशन है, यू शुड क्वालिफाई द सीनियर डिग्री गिवन बाय आईसीआई, शुड नॉट टेकन अ डॉलर और रुपीज 1000 फ्रॉम द सेड कंपनी व्हिच इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ही शुड नॉट बी एबल टू, ही शुड नॉट बी द डायरेक्टर मेंबर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेम अगर इस तरह से हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, किसकी बात है, क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, उसके पास सीए की डिग्री नहीं है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, उसने कंपनी से 1000 रुपए से ऊपर का लोन ले रखा है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका कंपनी का डायरेक्टर है तो ऑडिटर नहीं बन सकता, इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो ऑडिटर नहीं बन सकता, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी का एम्प्लॉई है अपना लीगल, या कंपनी का ही सीए है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता आपका, ठीक है। तो ये इसका जितना भी वाइस वर्सा आप लोग लिखेंगे वो सब आपका किसमें आ जाएगा बच्चे, डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑडिट पढ़ लिया है, ऑडिटर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं ऑडिट के, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर एंड डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दी है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्वालिफिकेशन, में मैंने लिख दिया है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, वाइस वर्सा ऑफ द अबव गिवन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का जब आप अपोजिट करेंगे वाइस वर्सा चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास टाइप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, टाइप ऑफ ऑडिट में हम लोग बात करते हैं, जिसके एक तो आपका होता है, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हम लोगों ने फाइनेंशियल ऑडिट, क्या पढ़ा, फाइनेंशियल ऑडिट, कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके तीन तरह के अकाउंट्स, दो अकाउंट्स, ठीक है, और एक आपकी बैलेंस शीट आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा, दो आपके अकाउंट्स आते हैं और एक आपकी बैलेंस शीट आती है। कौन से आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक तो आपका पी एन एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, एंड नेक्स्ट वन इज आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक आती है बैलेंस शीट, आपको फाइंड आउट करना, उन्हें एनालाइज करना, पूरा एनालाइज होता है, स्टार्टिंग से बिल्कुल एनालाइज होता है, वाउचर से स्टार्ट होता है, हम लोग वाउचर चेक करेंगे, सारे लेटर चेक करेंगे, सारे स्टेटमेंट्स मैच करेंगे, ट्रायल चेक करेंगे, फिर पीएनएल पे आएंगे, देन बैलेंस शीट पे आएंगे, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, आपकी बैंक से सब चीजें मैच करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, सब चीजें आपकी देखने के बाद वो एक ऑडिटर क्या होता है, डिसीजन पर पहुंच जाता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट में साइन करता है, उसके बाद कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, धोखेधड़ी की रहती है, लेकिन ऑडिटर की ज्यादा हो जाती है कि उसने इस तरह की स्टेटमेंट पास कैसे की, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने साइन कैसे किए ऑडिट रिपोर्ट पर, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ऑडिटर की बन जाती है। तो ये बात हुई हमारी किसकी,
जी बेटा फाइनेंशियल ऑडिट। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की बात करूँ तो एक्सटर्नल ऑडिट में बाहर की सारी चीजों को एनालाइज करना, हमारे कस्टमर को, मार्केट को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब चीजों को ऑडिट करना, एक रिव्यू लेना, उनको रिवैल्यूएट करना, देखना, मैनेज करना, सब चीजें क्या कहलाती है आपकी एक्सटर्नल ऑडिट। सेम इसी तरह अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूँ तो अंदर की सारी चीजों को मैनेज करना, इंटरनल चेक सिस्टम आपका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो सब किसमें आएगा आपका इंटरनल ऑडिट में। ठीक है, काम हो रहा है डेली बेसिस पर, इतना काम हो रहा है, हम लोगों ने इतना फिक्स किया था, मोटिव हमने सेट किए थे, गोल्स हमने सेट किए थे, इस पर हमें पहुंचना था, लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ हम लोग उस पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज रही कि हम लोग ये सब चीजें अचीव नहीं कर पाए अपने गोल्स को। ठीक है, तो ये सब चीजों को रीवैल्यूएट करना, रीचेक करना आपका क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ठीक, फॉरेंसिक ऑडिट स्टैचुरी ऑडिट होता है आपका बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कंपनी ने ऐसे कोई धोखाधड़ी कर दिया है, ये कभी नहीं होता है, कभी होता भी है तो इन केस ऑफ फ्रॉड, कंपनी का बहुत बड़ा कुछ फ्रॉड पकड़ा गया है, जैसे विजयवाल्या का केस था आपका। ठीक है, तो फिर आपका वहां पर ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो कहलाता है। टैक्स ऑडिट में बेटा आप लोग देखेंगे कि आप लोग सारी सारी आपकी टैक्स की लायबिलिटी, कितनी आपको पे करनी है, कितना आपने पे कर रखा, कितना आप कम कर सकते हैं, कहाँ डिस्काउंट्स अपने रिबेट्स ले सकते हैं, कहाँ आप लोगों को डिडक्शन मिल सकती है, कितने एग्जेंप्शन आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, तो सारी की सारी चीजें, सारा का सारा टैक्स कैलकुलेशन का जितना भी पार्ट होगा वो सब चीजें चेक करना क्या कहलाएगा, आपका टैक्स ऑडिट कहलाएगा। ठीक है, स्पेशल ऑडिट में आपका कॉस्ट ऑडिट आ जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑडिट आ जाता है, और ये सब चीजें आएंगी आपकी स्पेशल। जैसे कॉस्ट ऑडिट अगर मान लें तो हम लोग जो जितना भी प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, कितनी हम कम कर सकते हैं, मार्केट में और लोअर रेट पे का क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कंपनी में चेक करना और कंपनी को एडवाइजरी इश्यू करना, वो सब चीजें आप क्या देंगे स्पेशल ऑडिट में। ठीक है, तो ये सब है बेटा आज आपका, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं आपके। ठीक है, टाइप्स मिनिमम ऑब्जेक्टिव है, टाइप्स ऑफ ऑडिट है, थ्योरी आप लोग प्रिपेयर करना, एक ही थ्योरी यहाँ पर लिखकर नहीं बता सकती, तब भी आप लोग नोट से पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना है किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे कोई भी इशू है यू कैन कॉल। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री है मुझे कॉल करने के लिए कि मैम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए, सारी चीजें अपनी देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए क्या चीज समझ नहीं आ रही है, इतना टफ पार्ट इसमें नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आपका ऑडिट का। Okay, students, that's all for